प्यारे दिल्ली वासियों और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत नमन। मैं ये आज आपको ये फोन दिखा रहा हूँ कि ये 2.75 इंच के लगभग की लंबाई का फोन है, 1 इंच चौड़ा है और 10 mm के लगभग इसकी मोटाई है। और ये फोन है जो गोदाम बोलते हैं ये लोग जेल की भाषा के अंदर, जो आदमी क्या करते हैं इसको जेल तक ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। और मैंने इनसे पता करा, जब हासिल जानकारी करी तो पता चलाएगा अधिवक्ता के द्वारा कि ये क्या होता है कि तेल पीते सरसों का और निकल जाते हैं इस फोन को, और इससे इनकी जान भी जा सकती है। और दूसरा रास्ता है करप्शन, जिस करप्शन के तहत ये किस तरीके से जेल के अंदर ऐसे सैकड़ों फोन पहुंच जाते हैं। पिछले आप 10-20 साल का रिकॉर्ड उठा कर देख लो कि जेलों में अक्सर जो क्रिमिनल गैंगस्टर होते हैं वो उगाही के लिए इन फोनों का इस्तेमाल करते हैं। अभी हाल के अंदर सुकेश ठगी के अंदर भी ये बात सामने आई है कि मोबाइल के अंदर जेल पहुंच रहे हैं, और गोगी का गैंग है और कई ऐसे गैंग हैं जो पता चलता रहा समय समय पर कि फोन जेल तक पहुंचते हैं। अब ये चीज है कि इस फोन के अंदर जो EMI नंबर है उसके साथ हमारा जो है सिम भी कनेक्ट है, और ये हरे उसके ऊपर टावर लोकेशन पे और सभी सैटेलाइट्स पे ये फोन आ रहा है। और आज तक आप ये देखो कि इस तरह के फोन जो 1100-1100 रुपये के आसानी से बाजार में उपलब्ध है और ये कैसे हर जगह पहुंच जाते हैं और गवर्नमेंट इसे कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर ये फोन अगर हर जगह इस तरह से उपलब्ध हैं तो ये समझ सकते हो और ये जेल तक पहुंच जाते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है सुरक्षा को लेकर। सरकारी एजेंसीज में ये फोन पहुंच सकते हैं और किसी भी तरह का क्राइम इससे किया सकता है। और गवर्नमेंट क्यों नहीं इसकी तरफ जागृत होते कि ऐसे फोनों को लेकर या तो इसको अलाउड करे, लीगलाइज करे, सैमसंग वगैरह कंपनियां भी इसको बनाए तो ये अच्छी चीज है। एक उंगली के बराबर है, ये देखो कि आप ये फोन है, ये उंगली के अंदर ये फोन आ गया, इतना छोटा फोन है ये। तो ये चीज मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ 23/11/22 को। और इस विषय पे कोई नेता, सरकारी तंत्र, प्रशासन, अधिवक्ता, पुलिस खुल के नहीं बोलती, मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध करूंगा कि इस तरीके के फोन के ऊपर कोई गाइडलाइन जारी करें कि ये लीगल हैं, इलीगल से हैं, और ये जो जेल तक पहुंचते हैं तो इस रूट के ऊपर कोई ना कोई प्रतिबंध लगाएं। इसी शब्द जय हिंद जय भारत, श्री क्रांति जिंदाबाद।